और इस बीच एक बार फिर आपको जानकारी दें, रिम्स से आ रही ये बड़ी खबर है जहां मेडॉल के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। रिम्स स्थित जांच घर मेडॉल के 21 कर्मचारी जिनका 3 महीने से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है वो हड़ताल पर चले गए हैं, जिसकी वजह से पैथोलॉजिकल जांच का काम प्रभावित हुआ है और मरीजों की परेशानी बढ़ रही है। तो सीधे रुख करेंगे रिम्स का, हमारे सहयोगी सत्यव्रत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, सबसे पहले तो 2 महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आ रही है, पहले जो हड़ताल पर कर्मचारी चले गए हैं उसके बारे में आपसे जानकारी चाहेंगे। रिम्स के परिसर में पीपी मोड पर सरकार ने मेडॉल को जो है वो जिम्मा दिया था। रिम्स के जो भी भर्ती मरीज होते हैं या फिर ओपीडी के जो मरीज होते हैं उनके पैथोलॉजी संबंधी जांच के लिए, लेकिन पिछले सुबह से अगर बात करें तो जो पैथोलैब है, जो मेडॉल है, वो बंद पड़ा है, क्योंकि कर्मचारियों की ने मांग है कि उनकी 3 महीने से वेतन बकाया है और वेतन बकाया के मांग को लेकर पिछले कई घंटों से जो कर्मचारी है वो हड़ताल पर है और लगातार जो मेडॉल के कर्मचारी हैं, मेडॉल के लोग हैं, उनके बीच वार्ता हो रही है, लेकिन उन सब के बीच कहीं जो मरीज है, मरीज उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कई महत्वपूर्ण जांच रिपोर्ट है जो उन्हें नहीं मिल पा रहा है। कुछ मरीज के परिजन है, हम उनसे बात करते हैं, क्या कुछ का जांच करवाया आपने और अभी रिपोर्ट नहीं मिला, क्या बोल रहे हैं? कर दिया बच्चे का मैंने जांच करवाया था, तो मॉर्निंग में आया मैंने तो देखा कि बंद है, वो बोले 5 बजे के बाद मिलेगा रिपोर्ट। कितना दिक्कत हो रहा है वैसे? दिक्कत तो बहुत हो रहा है सर, हम लोग बहुत दूर से आए हैं काटी सिल्वर से, ऑटो का ऐसा ही परेशानी है। चलिए, तो ये एक परेशानी हो रही है हड़ताल पर चले जाने से कर्मचारियों के, इस बीच बातचीत की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है ऐसी जानकारी आ रही है, लेकिन